ASUS ROG Edition का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे कुछ डिवाइसेज के लिए आ चुका है, जिसमें से Redmi का K20 Pro भी एक ऐसा डिवाइस है जिसके लिए ये ROM अवेलेबल है। और इसके सपोर्टेबल डिवाइस की बात करें तो ये टोटल डिवाइस को सपोर्ट करता है, जिसमें से आता है हमारा Redmi का Note 5, Note 5 Pro और MI का 8 Lite, Redmi K20 Pro जो कि मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ, ASUS ZenFone Max Pro M1 और यहाँ पे Redmi का Note 7 Pro। तो इन्हीं कुछ डिवाइसेज को ये ROG Edition अभी फिलहाल सपोर्ट करता है। तो आप इनमें से किसी भी एक डिवाइस के यूजर्स हो तो इस ROM को आप यूज कर सकते हो, और क्या कस्टमाइजेशन मिलेगा वो सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि इस ROM को अगर आप यूज करो तो आपको ROG Edition वाली फीलिंग देखने को मिले, क्योंकि सिस्टम साउंड्स वगैरह भी उसी टाइप का आपको यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं टेक ऑफिस पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आई एम MK एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा इस ROG Edition के अपडेट के बारे में। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे थीम यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको नए नए कस्टमाइजेशन इस फोन के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम स्विच कर जाते हैं इसके नॉर्मल थीम के ऊपर, और ये थीम आप यूज करना चाहते हो जो कि मैंने अभी यूज किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। और इसके पहले आपने अगर ROG Edition का कोई भी ROM यूज नहीं किया है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी, लेकिन आपने पहले यूज कर रखा है तो कुछ कुछ चीज़ें आपको नया देखने को मिलेगा। तो मैं काफ़ी टाइम बाद K20 के ऊपर इसका वीडियो दे रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या कुछ नया मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नया लुक देखने को मिलता है एवेलेट वगैरह का, जो कि हमें ग्लोबल वर्जन में कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको नया देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में आपको ROG Edition का वॉलपेपर नज़र आता है, जब भी सर्च बार पे टाइप करेंगे तो आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा एनिमेशन का। आप देखना किस तरीके से ये ओपन होता है, तो ये नया लुक इस बार इस अपडेट के अंदर है जो प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ इस पे कीबोर्ड के ऊपर आपको नया थीम अप्लाई देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे ही कुछ नए एनिमेशन देखने को मिलते हैं। इसके अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है मोड के अंदर ब्लॉग मोड, जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, AI वाटर मोड, स्लो मोड, क्लोन फीचर्स और बाकी अदर फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सारे फीचर्स मैंने टेस्ट किए हैं तो यहाँ पे अच्छे से काम करता है, इनमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इन्हें यूज करने के बाद। तो यहाँ पे कैमरा फुल्ली वर्किंग है और हर एक फीचर्स का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी ऐप की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वही पुराना सा लुक और लेआउट, लेकिन हमारा सिक्योरिटी ऐप बिल्कुल ही अप टू डेट कर दिया गया है। तो अगर हम आते हैं इसके अंदर सेटिंग की ओर और आते हैं अपने प्राइवेसी के ऊपर, तो आपको नया लुक देखने को मिलेगा ऐप प्राइवेसी का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये डिटेक्ट करता है, और इसे यूज करने के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया था, जिसे आप अपने नॉर्मल से MIUI के ऊपर अपडेट करके यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐप बिहेवियर का टोटल डिटेल मिल जाता है। और कोई भी अगर रिस्क है कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर तो उसे भी डिटेक्ट करेगा, ताकि आप उसकी है जो सफाई कर सको और आपका डेटा वगैरह लीक ना हो, आपके फ़ोन के ऊपर कोई भी हार्म इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन का नया लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है इस ROG Edition के अंदर, और इस ऐप को आप अपडेट कर सकते हो अपने नॉर्मल एडिशन के ऊपर भी। इसके अलावा अगर हम थीम की ओर आते हैं तो आपको जो ये थीम स्टोर देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑलवेज ऑन का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है, जहाँ सब कुछ क्लॉक्स वगैरह है जो यहाँ पे डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे, और बाकी लुक सेम टू सेम देखने को मिलता है। लेकिन इसके पहले जो ROG Edition का अपडेट आता था उसमें 2-3 नए थीम हमें बाय डिफॉल्ट मिलते थे, जैसे कि कलर वॉइस का, ROG Edition का डार्क मूड वगैरह, जबकि वो सारे थीम को रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे डिफॉल्ट आपको 2-3 ही थीम देखने को मिलता है। और इसे मैंने अलग से डाउनलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो थीम स्टोर है वो आपको चाइना का ही देखने को मिलता है, जहाँ से मैंने एक थीम को डाउनलोड किया है। तो आप यहाँ पे इजीली जो थीम को डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, जो कि हमारा सुपर लाइव वॉलपेपर है। इसे फ्लैश करने के बाद आपका जो प्ले स्टोर है ये बिल्कुल ही सही रहता है, यानी आपको जो यहाँ पे सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर आप इसे रूट करते हो तो भी आपका नेट सेफ्टी पास रहेगा और आप बैंकिंग के ऐप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो आप विदाउट रूट के भी इसे यूज कर सकते हो, रूट करने के बाद भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो इसका नोटपैड दिया गया ये भी बिल्कुल ही आपको लेटेस्ट और अप टू डेटेड देखने को मिलता है, जहाँ पे प्लस पे टाइप करने के बाद एक नया ऑप्शन आता है, जहाँ पे
क्रिएट अ माइंड मैप वगैरह देखने को मिलता है, जिसपे आप कोई भी चीज़ है जो अलग अलग डिजाइन में जो क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस पर टाइप कर देना है और नया लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिस पर टाइप करने के बाद जो भी चीज़ आप चाहते हो उसे मैप के रूप में जो क्रिएट कर सकते हो। और इस फीचर्स को भी आप विदाउट इस रूम को फ्लैश किए हुए यूज कर पाओगे, जिसके ऊपर मैंने सिस्टम ऐप अपडेट का वीडियो दिया है। तो ये फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे YouTube आपको मिल जाता है, Facebook मिलता है, Paytm, Amazon, Cleaner और यहाँ पे दो तीन एप्लीकेशन इस रूम को फ्लैश करते ही आपको नजर आएंगे, जिसे आप चाहो तो अनइंस्टॉल भी यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लो, या फिर डायरेक्ट इस पर लॉन्ग टैप करके इस तरीके से आप अनइंस्टॉल कर लो। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। और अगर आप अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो आप इन सभी का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने Antutu का स्कोर भी चेक किया है, ताकि आपको परफेक्ट डिटेल दिखा सकूँ कि कैसा है इस रोम का परफॉर्मेंस। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको Antutu का स्कोर मिलता है, जो कि 446478 का है, जहाँ पे आपको MI 90 Pro देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल नेम MI 90 Pro है और इंडियन K20 Pro है। यहाँ पे मैंने माइग्रेट ऐप यूज किया है, जो कि प्रॉपर काम करता है, तो इसे यूज करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर इसके अबाउट की बात करें तो आपको रोग का नया लोगो देखने को मिलता है। इसके बिल्ड आपको मिलता है 20.11.18, जो कि इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, बट आएगा तो उसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस रोग के अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि 2020.11.1 का देखने को मिलता है, और प्रिप माइनस का कर्नेल देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन किया गया है, लुक में बदलाव लाया गया है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपने नॉर्मल वाले MIUI के हिसाब से, जो कि हमें इंडियन यूजर्स में देखने को मिलता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे नेटवर्क है और यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क है, तो ये बदलाव देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है साउंड एंड वाइब्रेट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउंड लिखा गया है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कस्टमाइजेशन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे आइकन को थीम्ड किया गया है, कलरफुल बनाया गया है, तो ये देखने में भाई काफ़ी अच्छा लगता है। इसका सेटिंग का जो UI है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। साथ ही साथ ऑलवेज ऑन का ऑप्शन, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, और यहीं पे आपको अंदर की ओर शेड्यूल देखने को मिलता है, जहाँ पे आप 10 सेकंड के लिए सेट कर सकते हो, ऑलवेज ऑन के लिए सेट कर सकते हो और शेड्यूल भी यूज कर सकते हो। और ये सेम फीचर्स को आप चाहो तो अपने नॉर्मल K20 Pro के ऊपर भी एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि इसके वीडियो से पहले मैंने AOD के अपडेट के बारे में भी वीडियो दिया है, तो आप उसे वॉच कर लेना। साथ ही साथ वही सारे आपको क्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल मिलता है, लेकिन आप थीम स्टोर से अनलिमिटेड क्लॉक को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे कर वही सारे एनिमेशन और कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जो कि हर एक MIUI आपको नजर आता है। डिस्प्ले के अंदर नया लुक आपको डार्क मोड का मिलता है, जो कि कुछ टाइम पहले ही आ गया था, जहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आप डार्क मोड को, इंडिविजुअल ऐप वगैरह यूज कर पाओगे, एंटी फ्लिकरिंग है, कलर का ऑप्शन है और रोटेशन ऑल का ऑप्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फोटोज को 360 में रोटेट कर सकते हो, या कोई भी एप्लीकेशन जो कि रोटेट होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये अलग अलग वे में जो रोटेट होता जाएगा, तो उस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन या ऐप्स को 360 में रोटेट कर सकते हो और ज़रा से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको रोटेशन पसंद नहीं है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिलता है साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे उतने ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको साउंड का असिस्टेंट मिलता है, जहाँ पे हर एक मीडिया और ब्राउजर के लिए आप अलग अलग साउंड को कस्टमाइज लो एंड हाई कर सकते हो। इसके अलावा D&D के कुछ नए फीचर्स आए थे, जो कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आते हैं, बट जो कुछ भी है यहाँ पे काफ़ी हद तक लेटेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। बैक साइड पे आते हैं तो आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है, जहाँ पे आप अपने कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हो ओल्ड वाले UI के अंदर और न्यू वाले UI के अंदर, और उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्मार्ट होम का ऑप्शन मिलता है, आइटम को शो एंड हाइड और लॉक स्क्रीन पे इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन मिलता है, स्पीड मीटर वगैरह का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक नॉर्मल फीचर्स है। यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन बन गया है लॉन्चर, जहाँ पे आप लॉन्चर चेंज कर सकते हो और डबल टैप पे लॉक इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है रिसेंट के आइटम को अरेंज करने का फीचर्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें ये नॉर्मल सा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी आप इसे स्विच कर सकते हो। इसे स्विच करने के बाद आप किसी भी ऐप को नीचे को ड्रॉ करके आप लॉक कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमें पहले भी देखने को मिलता था। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे जो भी एप्लीकेशन हम बैकग्राउंड ब्लर रखते हैं, तो उस पर एक आइकन देखने को मिलता है, जो कि हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्शन है। ये सिस्टम लॉन्चर के अपडेट होने और सिक्योरिटी ऐप के अपडेट होने की वजह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन को आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में वो ब्लर रहे, तो बस सिंपली आपको उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको उसके ऐप इन्फो में जाके इस ब्लर के ऑप्शन को ऑन कर देना है,
उसके बाद आप चेक करोगे कि जब भी हम रिसेंट पे जाएंगे तो ये प्राइवेसी का आइकन आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले ये आइकन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लर देखने को मिलता था। तो आप यहाँ पे ब्लर के साथ साथ आइकन को भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि होम की सेटिंग्स में से प्राइवेसी प्रोटेक्शन से लिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम आइकन आपको रिसेंट में भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है और आपके फ़ोन को पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुपर लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ नए एनिमेशन भी आपको मिलते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग के, जिसका आप मज़ा यहाँ पे उठा सकते हो। तो कई सारे यहाँ पे एनिमेशन प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आप देख सकते हो, और जो भी आपको पसंद आता है उसे बस आपको अप्लाई करना है और अनलॉकिंग के टाइम में आपको वो एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इसका यूज किया है, अगर मैं इसमें से किसी एक को अप्लाई कर लेता हूँ, चलिए किसी एक को ले लेते हैं, उसका अगर मैं इसे लॉक करके दोबारा अगर अनलॉक कर आऊँगा तो आपको नया एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा एनिमेशन यहाँ पे है जो यूज करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको मिलता है यहाँ पे बैटरी का डिटेल सेम टू सेम है। मोड के अंदर आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं और एक नया फीचर्स दिया गया है जो कि इग्नोर एक्सीडेंटल टच ऑन एज। ठीक है, तो कॉर्नर पर गेमिंग के टाइम आपको ज़्यादा एक्सीडेंटल टच आ रहा है, गेमिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप इसके एरिया को चेंज कर सकते हो, बिग एरिया या स्मॉल या कस्टम वगैरह, ताकि आपका जो कॉर्नर एज है वो डिसेबल रहे और गेमिंग में आपको एक्सीडेंटल टच देखने को ना मिले। तो अगर आप गेमर करते हो तो ये काफ़ी काम आने वाला है आपके। उसके अलावा आपको बाकी अदर टच वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, किक बॉल देखने को मिलता है, और डेवलपर के ऑप्शन पे आते हैं तो नीचे पर कुछ कलर के ऑप्शन दिए गए हैं जिसका आप यूज चाहो तो कर सकते हो, बट ये फुल्ली और प्रॉपर काम नहीं करता है। कहीं कहीं पे ये कलर आपको चेंज दिखाई देगा तो कहीं कहीं पे दिखाई नहीं देगा, और हर एक सेटिंग पे आप देखते हो तो हल्का हल्का डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये रोग एडिशन में आपको नया लुक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो लॉक साउंड है, अनलॉक साउंड है, ये सब कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, और जो इसका स्लाइडर है ये भी आपको नया देखने को मिलेगा। तो पूरा सिस्टम साउंड को चेंज किया गया है ताकि आपको नया सा लुक और नया बेनिफिट देखने को मिल जाए और काफ़ी मज़ा आए इस रोम को यूज करते हुए। आप देख सकते हो जब भी इसे अनलॉक या लॉक किया जाता है तो डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा एडवांस बूट मेनू दिया गया है और नया आपको बूट एनिमेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको K30 Pro लिखा हुआ मिलता है और ड्रैगन का एक आइकन देखने को मिलता है, और इसके बाद आपको जो रोग एडिशन का बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और फ़ोन के लुक को काफ़ी यूनिक सा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सिस्टम के आइकन, थीम्स और साउंड्स से कोशिश की गई है कि आप इस रोम को यूज करो तो आपको रोग एडिशन वाली फीलिंग देखने को मिले, यानी महसूस हो। तो ये सारे चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रही बात कि इसे फ्लैश कैसे करना है, यूज कैसे करना है, तो उसके लिए हमें स्विच करना होगा TDLR की ओर। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सको और आप उसका टाइम टू टाइम बेनिफिट ले सको। TDLR पे ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको वाइप पे जाना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करना है। आप डिफरेंट रिकवरी यूज कर ले तो मे बी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बस सबको सिलेक्ट करना है, इंटरनल को लीव करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइप कर देना है। कंप्लीट वाइप हो जाने के बाद होम पे टाइप करके इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाना है और इस रोग एडिशन को सिलेक्ट करना है जिसका बिल्ड 20.11.18 देखने को मिला है, और सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। इसके कंप्लीट फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको वेट कर लेना है और यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। फ्लैश कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार वाइप कैच करना है और डायरेक्ट रिबूट पे टैप कर देना है। कभी कभी किसी किसी यूजर्स को मे बी बूट लूप या रिबूट टू रिकवरी या फिर जो ऑन होने का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, होम पे जाना है, इस मेनू पे जाना है जहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज पार्टीशन, इस पर टैप करना है, डेटा मिलेगा, इस पर राइट पे टिक करना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करके फॉर्मेट पे टैप कर देना है। अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इस रोम को ऑन होने में दिक्कत होती है, तो आपको फॉर्मेट करना है, अदरवाइज फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अपने फ़ोन को जो रिबूट कर लेना है सिस्टम में और थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगो आ चुका है यहाँ पे Redmi K20 Pro का, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके ऑन होने में, तो आपको वेट करना होगा करीब करीब मे बी 5 से 10 मिनट का ये टाइम लग सकता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरा रिकवरी ऑन हो गया, ये फ्लैश हुआ लेकिन बूट नहीं किया, तो मुझे अब यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डेटा पे जाके फॉर्मेट कर देना है ताकि रोम सक्सेसफुली जो बूट कर जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे फॉर्मेट कंप्लीट होने का।
फॉर्मेट कंप्लीट होते ही रिबूट पे टैप करेंगे, फिर से ये लोगो देखने को मिला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉग एडिशन का जो है लोगो वो आ चुका है बूट एनिमेशन का। तो अब ये यहाँ पे सक्सेसफुली जब बूट कर जाएगा उसके बाद जो सेटअप रहता है वो तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद जो भी कुछ मैंने आपको डिटेल बताया है उस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। आज की अगर वीडियो पसंद आई है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको K20 Pro की वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी आए दिन। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।